गगरेट दौरे पर पहुंचे महेंद्र सिंह ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पेयजल संवर्धन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल के लिए 800 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत 2000 वर्ष से पूर्व निर्मित 1421 पुरानी पेयजल योजनाओं का संवर्धन तथा पुनर्निर्माण किया जाएगा। परियोजना के पूर्ण होने पर हिमाचल की 6831 बस्तियों को पेयजल की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि पेयजल संवर्धन योजना के तहत गगरेट विधानसभा क्षेत्र में 18 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत वर्ष 2000 पहले की पेयजल पाइपों को बदला जाएगा ताकि लोगों को पेयजल की बेहतर सुविधा मिल सके। आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के विकास में अहम योगदान दिया है। केंद्र से बड़े बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल संसदीय क्षेत्र के लिए स्वीकृत करवाए गए हैं। बतौर सांसद अनुराग ठाकुर ने एक सफल पारी खेली है तथा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। मैंने बहुत सांसदों को देखा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही नहीं अनेकों राज्यों में मुझे जाने का मौका मिला। जब मैंने अनेकों राज्यों में जाकर के देखा तो और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो मैंने सांसदों को देखा है उसमें जो कार्य जो योजनाएं, अब आप ऐसा नहीं कह सकते भी आपका ही सांसद है, मेरा भी सांसद है, मेरे और आपके सांसद अनुराग ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश के इन्होंने केवल हिमाचल प्रदेश के लिए योजना नहीं लाई, इन्होंने नई सोच दे दी आने वाले जो हमारे जनरेशन है कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पे ना जाए, हमारे बच्चे जो नौजवान निकले वो अगर उनको कोई और रास्ता नहीं दिखाई देता है तो कम से कम क्रिकेट के स्टेडियम बना दिए, और क्रिकेट के जो स्टेडियम बनाए हैं उसमें आज हजारों हजारों हमारे बच्चे जो है उन क्रिकेट स्टेडियम के का इस्तेमाल करते हैं, और एक ऐसा स्टेडियम बना दिया उन्होंने जहां हिमाचल प्रदेश के नहीं, भारतवर्ष के नहीं, बल्कि पूरे संसार की बड़ी बड़ी क्रिकेट की टीमें आकर के वहां पर अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हैं।